जैन साथियों, फाइनली बिहार भारत सरकार ने रेल मंत्रालय ने आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जो फेक बता रहा था वही सही हुआ, और सब जांच करने के बाद पता चला कि ये यही नोटिस सही है। और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई आरपीएफ एसआई का वैकेंसी आ चुका है। इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा, सभी सभी चीज़ की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले है भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीय रोजगार सूचना CNC नंबर इतना इतना पर वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सब इंस्पेक्टर एवं कॉन्स्टेबल, यहाँ पर देखिए, और कॉन्स्टेबल की भर्ती रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष आरपीएफ एसआई निम्नलिखित पदों पर योग्य आवेदन नियन अनुमंत्रित की जाती है। सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलअप कब से होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल 2024 को फॉर्म स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप, और 14/5/2024 को बंद हो जाएगा फॉर्म फिलअप। वही बात करें इसमें कितना पद है, यहाँ पर देख लीजिए कितना पद है, यहाँ पर देखिए कितना पद है, यहाँ पर देखिए एसआई के लिए 452 पोस्ट, और वही आरपीएफ कॉन्स्टेबल के लिए यहाँ पर देखिए 4208 पोस्ट, सभी मिलाकर 4660 पोस्ट हो जाता है। और ये है लेवल वन का पोस्ट, ये है लेवल सिक्स का पोस्ट, और ये है लेवल्स का पोस्ट। इसमें सैलरी है 35,000 से शुरू, इसमें है 31,000 से शुरू, 21,000 से शुरू। वही बात करें ऑनलाइन का, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन 15 अप्रैल 2024 से, और अंतिम डेट है 14 मई 2024 तक। एज कब से काउंट किया जाएगा, तो एसआई के लिए 20 से 26 साल, 20 से 28 साल, सभी कैटेगरी का अलग अलग होता है। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से 24 साल। एज कब से काउंट किया जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा एज कब से काउंट किया जाएगा, देखिए यहाँ पर एज कब से काउंट किया जाएगा, 1/7/2024 से एज काउंट किया जाएगा ये सभी कैटेगरी का। और वही बात करें इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात होगा, यहाँ पर तीन तीन साल का एज रिलैक्सेशन भी है। तो जिसका उम्र ज़्यादा हो गया वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। तो ये बिल्कुल सही और सटीक नोटिस है। तो आइए, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।